Ciao. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पान के प्लांट की बड़ी सी कटिंग लगानी है तो आप उसको किस तरह से लगाएं। छोटी छोटी कटिंग्स तो जैसे हम मैंने आपको कई बार शेयर भी किया है कि किस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग्स को लगा सकते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बड़ी कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है और इस तरह से अगर आप कटिंग को लगाएंगे तो 100% आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या तरीका है जिससे आप पान के प्लांट या फिर मनी प्लांट या कोई भी बेल वाले प्लांट जिसमें इस तरह से रूट्स डेवलप होती है, आप किसी भी इस तरह के प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी जैसे ब्रांचेस है, तो इसको भी हम किस तरह से ग्रो करेंगे। जैसे कि मैं कुछ ब्रांचेस ले लेती हूँ, मैंने ये एक ब्रांच ली है और ऊपर जितना इसका पोर्शन है इसको हम इस तरह किस तरह से ग्रो करेंगे। तो जैसे ये ब्रांच ली है और भी मैं कुछ ब्रांचेस को सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपको इस तरह की ब्रांचेस लेनी है जिसपे जो ब्रांचेस है जो ऊपर की ओर जाती हैं, जो ग्रो होने वाला पोर्शन रहता है उस साइड से आपको कुछ जो ब्रांचेस हैं वो ले लेनी है। तो एक मैंने ब्रांचेस ले ली और एक मैं ये वाली ब्रांच ले लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ऊपर इसमें ग्रो हो रहा है ना, तो इस तरह की ब्रांचेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक ये भी ब्रांचेस हो गई। तो फ्रेंड्स, आप एक पॉट में जितनी चाहें उतनी ब्रांचेस को लगा सकते हैं। तो आप 2-4 जितनी भी ब्रांचेस चाहें उतनी ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस को ले लेती हूं और जो भी पोर्शन ऊपर वाला है वैसे ही लेंगे जो अच्छे से ग्रो हो, क्योंकि हम जब ये रहा प्रोसेस जो मैं करने जा रही हूँ इसके बाद हम इन कटिंग्स को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉट लेना है। पॉट में मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और जहां से भी इसकी रूट्स डेवलप हो रही, मतलब आपको जितनी बड़ी ब्रांच चाहिए, जैसे यहां से ऊपर आपको इतनी बड़ी ब्रांच चाहिए, तो ये देखिए जहां से ये रूट डेवलप हो रही है उसको बस आपको इस तरह से पॉट के अंदर जमीन में इस तरह से सॉइल के नीचे इसको दबा देना है। अभी आपको जो कटिंग है उसको प्लांट से अलग नहीं करना है। इस तरह से हम जो कटिंग है उसको इस तरह से सॉइल में दबा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से एक कटिंग लगा दी। आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी कटिंग्स को इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये दूसरी कटिंग है, तो इसमें भी इसको भी ये देखिए यहाँ से रूट्स डेवलप हो रही है, तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से सॉइल में लगा दूंगी। तो आप जहां से भी रूट्स डेवलप हो रही हैं आप वहां से इसको सॉइल में लगा देंगे, तो जो प्लांट है वहां से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2 जो रूट्स हैं उसको इस तरह से सॉइल में लगा दिया। अगर आप गिफ्ट किसी को करना चाहते हैं तो एक बार में कई कटिंग्स को आप इस तरह से सॉइल में लगा दीजिए और जब सॉइल में ग्रोथ स्टार्ट हो तब आप इसे प्लांट से अलग करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ ब्रांचेस को इस तरह से के अंदर लगा दिया है। अब इसका जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक हफ्ते के बाद का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट सैटरडे था, तो लास्ट सैटरडे को मैंने इसको ग्रो किया था, जितनी भी इसकी जो रूट्स थी उनको मैंने सॉइल में डाला था। और अब इस सैटरडे ये देखिए ये कितनी बड़ी ब्रांच हो गई है, तो इसको मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये जो ब्रांच है बहुत बड़ी हो गई और इसमें न्यू लीव्स भी आ गए हैं। इसका मतलब कि जो इसमें रूट्स थी वो बहुत अच्छे से ग्रो होने लगी। ये देखिए, एक और ब्रांच है, ये भी बहुत बड़ी हो गई है, इसमें भी ये देखिए न्यू लीव्स आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो ब्रांच है ये भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और ये भी जो है ये हमारे प्लांट से जुड़ी हुई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने रूट्स को जिनको डाला था उनको सबसे पहले मैं निकाल के दिखाती हूँ कि वो रूट्स डेवलप हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो सॉइल से रूट्स को निकालने के लिए मैं टूल्स का यूज़ करूँगी। टूल्स से जो रूट्स होती हैं वो डैमेज नहीं होती हैं, तो मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो ये व्हाइट कलर की जो ब्रांच जो आपको रूट दिखाई दे रही है ना, जो व्हाइट वो न्यू ग्रोथ होती है। जब रूट्स जो नई निकलती हैं वो थोड़ी सी व्हाइट कलर की होती है, तो इस तरह से ये व्हाइट कलर की जो रूट्स हैं वो अभी न्यू ग्रोथ हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छे से कटिंग लग गई है। नेक्स्ट, इसको मैं सबसे पहले मैं इसको डाल देती हूँ सॉइल के अंदर फिर से, और मैं दूसरी जो रूट्स है उसको भी मैं दिखाती हूँ। तो ये दूसरी वाली रूट को भी मैं निकाल लेती हूँ पहले। फ्रेंड, ये देखिए, इसकी मैं पहले सॉइल को हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सॉइल को हटाने के बाद जो आपको व्हाइट कलर की जो रूट दिखाई दे रही है वो न्यू ग्रोथ है। तो ये देखिए, इसमें भी ये भी बहुत अच्छे से इसकी जो रूट्स है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई।
तो मैंने इसमें दो जो रूट्स हैं उनको अंदर सॉइल में डाला था और दोनों बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई। तो दोनों को मैं फिर से इस तरह से सॉइल में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा तरीका है पान के प्लांट को ग्रो करने का। और जो तरीके होते हैं उससे जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं होता, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे बहुत ही अच्छे से 100% सक्सेस है कि आपका जो प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, जितनी भी ब्रांचेस इसमें ग्रो हो रही हैं सभी को मैं इस कट कर लेती हूँ। ये वाली जो ब्रांच है वो प्लांट से जुड़ी हुई थी तो इसको मैंने कट कर लिया, और जो ब्रांचेस हैं उनको भी मैं कट करके इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो तैयार तैयार आपको मिलेगा। आप तुरंत किसी को इस तरह से चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपको भी कहीं और लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरा जो पान का प्लांट था वो जमीन में सॉइल में लगा हुआ था, तो मैं इसको पॉट में कर लूंगी और मैं कहीं भी लगाना चाहूँ तो इसको लगा दूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं एक स्टिक की सहायता से इसको ऊपर की ओर चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे पास मॉस स्टिक नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक डंडा लगा दिया है, और उसमें इस तरह से जो हमारा प्लांट है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया है। आप चाहें तो आप इस तरह से भी प्लांट को इस तरह से जैसे पॉट में भी करके रख सकते हैं, वो हैंग करता हुआ भी अच्छा लगेगा, या आप चाहें तो इसको बेल की तरह इस तरह भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको एयर लेयरिंग तरीका भी बोल सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ से भी रूट्स हैं वहाँ से अपने प्लांट को ग्रो करने का तरीका है कि आप बड़ी बड़ी इस तरह से बेलों को एक बार में बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारी कटिंग्स को आप एक बार में ही ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।